हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता होती है और ऐसे में शरीर में प्रोटीन पहुंचने के लिए दूध एक बेहतर स्रोत माना जाता है। अक्सर हम दूध से बनी कई चीजों का इस्तेमाल करते हैं और त्योहारों के समय में तो अधिकतर मिठाइयां दूध से ही बनाई जाती है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम होता कि ये मिठाइयां असली दूध से बनी है या नकली दूध से। साथ ही जो दूध आप रोजाना इस्तेमाल में लेते हैं वो दूध भी असली है या नकली। इसलिए आज हम आपको दूध की पहचान के बारे में बता रहे हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप असली दूध का सेवन कर रहे हैं या नकली। तो चलिए जानते हैं। असली दूध का स्वाद हल्का मीठा होता है, जबकि नकली दूध का स्वाद डिटर्जेंट और सोडा मिला होने की वजह से कड़वा लगता है। सिंथेटिक दूध में यूरिया मिक्स होता है और इसका पता लगाने पर देखिए, अगर दूध उबाल कर रखने पर पीले रंग में आता है और गाढ़ा हो जाता है तो समझिए वो दूध आपके परिवार के पीने योग्य नहीं है। दूध को देर तक रखने पर अगर वो अपना रंग बदल कर पीले रंग में आ जाए तो समझिए दूध में कुछ मिला है, लेकिन अगर वो सफेद रंग में ही रहता है तो वो दूध बिल्कुल शुद्ध होता है। दूध में पानी की मिलावट की जांच करने के लिए किसी चिकनी लकड़ी या पत्थर की सतह पर दूध की एक या दो बूंद चिपका कर देखें। अगर दूध बहता हुआ नीचे की तरफ गिरे और सफेद धार सा निशान बन जाए तो दूध शुद्ध है। असली दूध को हाथों के बीच रगड़ने पर कोई चिकनाहट महसूस नहीं होती। वहीं नकली दूध को अगर आप अपने हाथों के बीच रगड़ेंगे तो आपको डिटर्जेंट जैसी चिकनाहट महसूस होगी। दूध को एक कांच की शीशी में डालिए और उसे जोर से शेक करिए। अगर उस दूध में झाग बनने लगता है तो समझ लीजिए दूध में डिटर्जेंट मिला है। दूध गाढ़ा करने के लिए बहुत से लोग उसमें साबुन मिलाते हैं। अगर इसे पकड़ना है तो घर में आए दूध को स्मेल करिए। अगर उसमें दूधी की महक आए तो वो शुद्ध है, लेकिन अगर कोई महक नहीं आई तो उसमें 100% कुछ मिला है।